Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken class. Friends, active voice or passive voice, मैंने past perfect tense तक पढ़ा दिया था आपको और उसके बाद future tense बचता है, तो future tense में future indefinite tense और future perfect tense का passive voice बनता है, बाकी उसमें से दो tense जो future continuous tense और future perfect continuous tense है उसके voice नहीं बनते, passive voice नहीं बनाया जाता है, ठीक है friends? ये shall, will जो future tense का है, this is the modal verbs. और मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे मॉडल वर्ब्स, जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं सबके मेकिंग फार्मूला एक जैसे होते हैं, इसलिए सभी मेकिंग, सभी मॉडल वर्ब्स के लिए हम एक ही फार्मूला बनाकर आपको एक एक करके सभी मॉडल वर्ब्स का एक एक एग्जांपल देकर क्यों ना समझाते जाए, ठीक है फ्रेंड्स? तो शैल विल का हम अब टेंस नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधा मॉडल वर्ब पर जाएंगे, मॉडल वर्ब से शुरुआत करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब क्या है? व्हाट इज द मॉडल वर्ब? मैंने आपको बेसिक में पढ़ा दिया है और टेंस में भी पढ़ा दिया है आपको कि मॉडल वर्ब शैल विल सारे के सारे मैंने उधर लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा है, अभी आपको हम दिखा देते हैं. तो अभी हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम कन्वर्सेशनल वीडियो देखते हैं, तो लेट्स वॉच. व्हेन डू यू गो टू बेड? एट 11 o'clock. व्हाई सो लेट? आई वॉच टीवी प्रोग्राम्स डेली. You are lucky. Doesn't your father make you go to bed early? No, it doesn't. He is, however, particular about the serial I view. Which serials do you watch? Short educative ones. You are truly fortunate. When do you go to bed? At 9:30. So early? Yes, and I get up early too. Then you never see programs? Not often. Sometimes I do. And it is either on Saturday or Sunday. When do you get up? At 6 o'clock. Oh my God, I don't think I shall ever get up so early. Well, you must remember the proverbs, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Oh, I see. I must remember it. Friends, these are the modal verbs. आप अच्छी तरह से देख लो और इसको लिख लो नोटबुक में. ये सारे के सारे मॉडल वर्ब हैं. जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसके मेकिंग फार्मूला, जो पैसिव वॉइस बनाने का नियम है, वो ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. सभी मॉडल मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके उसमें बी लगाना होता है और कुछ नहीं, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम एक एक सेंटेंस लेते हैं. जैसे मॉडल वर्ब का हम फ्यूचर टेंस से शुरू करते हैं कि मैं, आई शैल ईट मैंगो. तो दिस इज द एक्टिव सेंटेंस. एक्टिव, ये एक्टिव सेंटेंस है. इस एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव में टर्न कर रहे हैं. तो पैसिव में कैसे होगा? ये फॉर्मूला है, ये देखो, सब्जेक्ट प्लस, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंगो. जो वर्ब के बाद आता है वही सब्जेक्ट होता है. तो द मैंगो लिखेंगे यहाँ पर हम, द मैंगो. अब मैंगो के साथ शैल नहीं लगता, विल लगता है, तो विल. उसके बाद सीधा बी, विल बी वी थ्री ईटन बाय मी. द मैंगो विल बी ईटन बाय मी, आम मेरे द्वारा खाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? अभी एक टिप और लेते हैं. ही कैन sing a song. He can sing a song. वह एक गीत गा सकता है. तो sing is the verb. इसके बाद जो आ रहा है ये object है, इसका हम passive turn करते हैं. A song. Can. Can is the modal verb. उसके बाद be लिखेंगे सीधा. Can be sung by him. Simple friends. जितने भी sentence, वो सारे के सारे सेंटेंस जिसको हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करके बनाते हैं, उसका जब हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगेगा और वी थ्री का इस्तेमाल होगा, ठीक है फ्रेंड्स? बहुत ही सिंपल है.
ये सारे के सारे मैं एक एक करके सबको एक 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 वीडियो बनाऊं, उससे अच्छा है कि सारे मॉडल वर्ब्स के बारे में समझाकर एक ही वीडियो में मैं समझा दूं, ये अच्छा रहेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। सारे के सारे मॉडल वर्ब इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। जिस मॉडल वर्ब को भी आप उठा लो, उसका जो सेंटेंस होगा एक्टिव होगा, उसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। ओके फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया है सारे सेंटेंस। सभी सेंटेंस को हम बनाते हुए समझेंगे। दे विल किल द बर्ड, किल इज द वर्ब, इसके बाद क्या आया, द बर्ड, द बर्ड इज द सब्जेक्ट, हियर पैसिव में आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। द बर्ड विल बी किल्ड बाय देम, ठीक है। ही कुड किल द बर्ड, यहां पर मॉडल वर्ब कुड है, तो द बर्ड could be killed by him. You should learn this poem. यहां पर should is the modal verb. So should this poem should be learnt by you. You must drink milk. तुम्हें जरूर दूध पीना चाहिए। The must is the modal verb. Drink milk. Milk is object. यहाँ पे subject हो जाएगा, passive हो जाएगा इसका। Milk must be drunk by you. ठीक है friends? जितने भी मॉडल वर्ब है सिर्फ मॉडल वर्ब के बाद बी लगाना है और वी थ्री लिखना है, सिंपल है और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। एक्टिव टू पैसिव हो गया ये। अभी हम पैसिव टू एक्टिव बना के देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरह से देख लो, लिख लो नोटबुक में। ओके फ्रेंड्स, यह मैंने लिख दिया सारा सेंटेंस पैसिव में मॉडल वर्ब का। अभी हम इसका एक्टिव बनाते हुए सीखेंगे। ठीक है, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय देम, बाय के बाद देम आ रहा है, देम इज द ऑब्जेक्ट हियर, तो यहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा, देम का दे हो जाता है, तो दे कुड, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय देम, समस्या उनके द्वारा निपटाया जा सकता है, समस्या को हल किया जा सकता है। तो दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वे लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यू मे डिफीटेड बाय हिम मीन्स उसके द्वारा शायद तुम्हें हराया जा सकता है, इसका एक्टिव हो गया ही मे डिफीट यू, वह तुम्हें शायद हरा सकता है। अभी लास्ट सेंटेंस है, वी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीवन, सभी लोगों के द्वारा हमें ब्लेम किया जाएगा, मीन्स हमें दोष दिया जाएगा। तो यहाँ पर बाई हो गया, बाई के बाद एवरीवन है, तो एवरीवन इज द सब्जेक्ट, एवरीवन विल ब्लेम अस, एवरीवन विल ब्लेम अस, सभी लोग हमें दोष देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब भी मॉडल वर्ब्स वाले सेंटेंस होते हैं एक्टिव में तो उसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, और जब पैसिव में होते हैं तो उसका हम एक्टिव कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है फ्रेंड्स। सारे मॉडल वर्ब्स को मैंने एक बार लिखकर आपको समझा दिया था कि ये सारे मॉडल वर्ब हैं और उसका एक ही फार्मूला है, बस सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वी थ्री, सिंपल। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।